साथियों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम के एस ऑनलाइन एकेडमी में। चलिए हम लाइव आ चुके हैं, सभी को शेयर करिए, सभी लाइव आइए। जो भी हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के भी जरूर शेयर करें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। क्लास टेंथ का एनसीईआरटी बुक मैथ है 3.5 लेके आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ हम हालांकि पिछले वीडियो में शेयर किए थे, बताएं अनुपातों की तुलना आपके द्वितीय निरूपण A1 बटे B2 दो समीकरण का हो और B1 बटे B2 नोट इक्वल टू दोनों पर, तो बताए थे प्रतिच्छेदी रेखा एक हम होगा और क्या होगा इसका संगत होगा। अगर तीनों बराबर हो दोनों समीकरण का हो तो समपातीय होगा, एक हल होगा और क्या ऐसा होगा तो संगत होगा। अगर तीसरा बराबर नहीं हो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नोट इक्वल टू C1 बटे C2 तो समांतर लेकिन कोई हल नहीं होगा और क्या कहलाएगा यह आपका असंगत। वज्रगुणन का कुछ सूत्र होता है, देखिए x बराबर B1 C2 माइनस C1 B2 B2 माइनस A2 B1, y का बराबर होता है C1 A2 माइनस C2 A1 A1 B2 माइनस A2 B1। तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठे और साथ में क्लास के साथ ही आप बनाते हुए चलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का पहला हिस्सा क्या आता है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर। प्रश्न क्या है चलिए बता दीजिए पहले कॉपी कलम में उसके बाद फिर। तो प्रश्न है निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से किसका हल अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, केवल अद्वितीय हल की स्थिति में वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि कौन है अद्वितीय हल आएगा, कौन अनेक हल है और कौन कोई हल नहीं है। तो पहले चेक करते हैं A1 बराबर 1, B1 बराबर माइनस 3, C1 बराबर माइनस 3, अच्छा A2 बराबर 3, B2 बराबर माइनस 9 और C2 बराबर माइनस 2। अब क्या करना है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 क्या है 1 बटे 3 बराबर माइनस 3 बटे माइनस 9 बराबर माइनस 3 बटे माइनस 2, माइनस माइनस कर दिया आपका दिया 9 बराबर हो गया 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 नोट इक्वल टू क्या चाहिए 3 बटे 2 कहने का हो गया कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और नोट इक्वल टू है C1 बटे C2। जब ये आपका दो पहला बराबर होता है दूसरा अंतिम तीसरा बराबर नहीं होता तो क्या कहना था आपका कोई हल नहीं और असंगत होना है। क्या लिखेंगे असंगत और कोई हाल है नहीं। चलिए बता दीजिए इसको फर्स्ट में। चलिए अब देखिए दो नंबर क्या है प्रश्न में, एक का दो क्या कहता है, प्रश्न है 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर है। तो इसको क्या करते हैं 2x प्लस y इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में कितना 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में कितना 8 बराबर 0, a1 का मान 2 और a2 का मान 3, b1 का मान 1 और b2 का मान 2, c1 का मान -5 और c2 का मान -8। चलिए अब इसको पहले साबित करना है कौन है या का अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल है। तो पहले सूत्र पर बिठा दीजिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, a1 का मान हो गया 3 बराबर b1 का मान 1 बटे 2
और c1 बटे c2 का मान माइनस फाइव बटे माइनस एट माइनस माइनस खत्म। अच्छा पहले तो आपस में बराबर नहीं, क्या लिखेंगे a1 बटे a2 नोट b1 बटे b2, मतलब आपस में दोनों क्या है नहीं है, तो कौन सा क्या चीज कब आएगा आपका अद्वितीय अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल कहलाता है तो इसको हम क्या प्रश्न क्या बोला था कि इसका वज्र गुणन विधि से, हाँ वज्र गुणन विधि से ज्ञात करने के लिए बोला था। तो चलिए यहाँ पर से ज्ञात है यही है, इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। x का सूत्र देखिए बराबर b1 c2 माइनस c1 b2 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अच्छा इससे मान ज्ञात कर ले क्या है b1 c2 एक गुना माइनस तो वन गुना माइनस एट माइनस c1, c1 का मान कितना माइनस फाइव और गुना b2 का मान टू बटे a1 b2, a1 का मान कितना दो और b2 का मान भी दो माइनस a2 b1 तो तीन गुना वन आपका हो गया माइनस आठ माइनस माइनस प्लस पंद्रह दस बटे दो दूनी चार माइनस तीन बराबर दस में से आठ गया तो दो और बटे चार में से तीन गया तो वन बराबर कितना दो। यही हो गया आपका आंसर। y बराबर क्या है c1 a माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 का मान कितना माइनस फाइव गुना a2 का मान तीन माइनस c2 का मान माइनस एट और गुना a1 का मान दो और बटे कितना ये तो सेम ही रहता है तो लिख दीजिए क्या हो गया दो गुना दो और माइनस तीन। अच्छा पचतिया पंद्रह तो माइनस पंद्रह माइनस माइनस दूनी सोलह बटे दो दूनी चार माइनस तीन सोलह में से कितना गया पंद्रह गया तो वन और बटे नीचे में चार में से तीन वन बराबर कितना हुआ आपका आ गया एक्स बराबर कितना दो और वाई बराबर कितना वन। यही हो गया आपका आंसर। चलिए बता लीजिए फर्स्ट में और साइंस का भी क्लास होगा तरुण सर आएंगे सात से आठ हम मैथ पढ़ाएंगे और आठ से नौ तरुण सर पढ़ाएंगे साइंस। तो प्रत्येक दिन आप लाइव आइए और लाइव का फायदा उठाइए। चलिए आए हुए हैं बहुत व्यक्ति लाइव। चलिए जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हो गया एक का दो उतर गया कुछ कारणवश हमें अभी लाइव आए थे और कट गया आवाज ज्यादा होने के कारण। तो चलिए अब देखिए एक का तीन क्या प्रश्न है 3x माइनस फाइव वाई बराबर बीस सिक्स एक्स माइनस दस वाई बराबर चालीस 3x माइनस फाइव वाई बराबर बीस और 6x माइनस तीन वाई बराबर चालीस। अब इसको करना क्या है तो 3x माइनस फाइव वाई बराबर इधर प्लस इधर आएगा क्या बनेगा माइनस बीस सब बराबर जीरो। अच्छा 6x माइनस दस वाई इधर प्लस इधर आएगा माइनस में कितना चालीस बराबर जीरो। अच्छा a1 बराबर कितना तीन a2 बराबर कितना हो गया सिक्स b1 बराबर माइनस फाइव b2 बराबर हो गया आपका माइनस दस c1 बराबर हो गया माइनस बीस और c2 बराबर हो गया माइनस चालीस। अब इसको ज्ञात कर लीजिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 कितना हो जाएगा तीन बटे सिक्स बराबर माइनस फाइव बटे माइनस टेन बीस बटे माइनस चालीस। अच्छा माइनस माइनस करता हूँ तीन दूनी छः पंद्रह दूनी दस बीस दूनी चालीस आपका लगता है शायद तीनों की बराबर आ गई। जब तीनों बराबर बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू तब क्या बताए थे अभी तीनों जब बराबर हो जाता है अनेक हल होगा पर लिख लीजिएगा क्या चीज अनेक हल होगा। लेकिन प्रश्न आपको बोला है क्या चीज अद्वितीय हल का केवल अद्वितीय हल का वज्र गुणन विधि से क्या था तो आपका यही हो गया आपका आंसर। चलिए चार नंबर आप खुद से बना लीजिए या फिर बता देते हैं बताइए
चलिए लाइट जलाने के लिए एक मिनट। देखिए चालू हो रहा है। पता है x माइनस थ्री वाई माइनस सेवन बराबर जीरो। और दूसरा प्रश्न है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर जीरो। लाइन के वजह से भी हम लाइन नहीं आ रहे। चलिए आज भी लाइन कट ही गया। चलिए बनाते हैं फिर से। तो क्या करेंगे बोलिए, a1 बराबर 1 b2 बराबर कितना 3 b1 बराबर -3 और b2 बराबर हो गया -3 c1 बराबर हो गया आपका -7 और c2 बराबर हो गया -15। तो ज्ञात कर लेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो 1 बटे 3 बराबर -3 बटे -3 अच्छा बराबर -7 बटे -15। चलिए माइनस माइनस खत्म। अच्छा ये हो गया 1 बटे 3। एक मिनट, जब खत्म ही हो गया तो आपस में बराबर है नहीं है, तो क्या लिखेंगे a1 not equal a1 बटे a2 not equal to b1 बटे b2। जब दोनों आपस में बराबर नहीं हो पहला तो क्या कहा लगेगा, तो द्वितीय हल। तो ओ द्वितीय हल, तो द्वितीय हल कहलाता है। तो फिर कहता है वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना। वज्र गुणन विधि से x बराबर हम ज्ञात किए थे, सूत्र बताइए क्या होता है। x बराबर देखिए b1 c2 minus c1 b2 बटे a1 b2 minus a2 b1। अच्छा अब ज्ञात कर लीजिए इसको, तो क्या हो गया b1, तो b1 का मान -3 गुना -15 -c1 का मान -7 गुना b2 का मान -3 बटे a1 गुना -3 -3 गुना -3 आपका क्या हो जाएगा, -5 + 5 = 45 -5 + -5 = 41 और बटे -3 और -5 = 39। अब इसको हटा दिया जाए, 4 24 बटे 9 = 6 6 6 24 = 4। चलिए ठीक है, इसका मान 4। अब y का मान क्या चलेंगे, तो y बराबर क्या है c1 a2 minus c2 a1 बटे a1 b2 minus a2 b1। तो c1 का मान देखिए कितना है, -7 गुना 3 माइनस -15 और गुना 1 बटे, ये तो दोनों सेम ही रहता है, तो क्या लिख सकते हैं 1 गुना -3 -3 गुना -3। अच्छा -27 21 -15 बटे -3 -3 = 9। अच्छा फिर बताइए 15 में से 21 जाएगा बटे 6 में से 9 में से 3 जाएगा, तो -6 कट गया, तो 1 आपका -1 आपका x बराबर आ गया 4 और y बराबर कितना गया -1। यही होगा आपका आंसर। चलिए उतर गया, आ गया लाइन, लाइट ऑफ करने दीजिए। चल बता दिया आप आराम से, फिर से समझा देते हैं इसको अंधेरा हो। सुन पहले से मान लीजिए a1 इसका मान a2 b2 c1 c2। अब इसमें बिठा दिए आपका वो द्वितीय हल, वो द्वितीय हल बाद यहाँ पर सूत्र हम लिख दिए हैं बट गुणन विधि से
x बराबर इतना और y बराबर इतना, x का मान यहाँ पर b1c2 c1 b2, बस इसी से चुन के रख लिखना है और इसको गुणा भाग करना, आपका आंसर प्राप्त हो गया x का मान 4। उसी प्रकार से y का सूत्र यहाँ है तो उतार लिखें और इसी से c1 a2 मान इसी से हम चुन करके रखें और गुणा भाग किया तो जोड़े घटाव किए आपका आंसर आ गया -1, तो x बराबर 4 और y बराबर -1, आपका ये का कंप्लीट हो गया। चलिए बता दीजिए फर्स्ट में, अब देखिए दो नंबर क्या कहता है, दो का वन कहता है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब अनेक हल होंगे मतलब होना चाहिए क्या चीज, संपाती रेखा होना चाहिए और संगत होना चाहिए, तो जानते हैं तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर लाइन होना चाहिए तो बताते हैं, देखिए चलिए देखिए प्रश्न क्या है, कहता है टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर 7 और है ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर 3 ए प्लस बी माइनस टू। चलिए यही प्रश्न, तो इसको ज्ञात किया जाए, तो परिमित रूप से कहता है अनेक हल होंगे, तो ज्ञात करिए इसको एक बार, तो करेंगे क्या, देखिए पहले परिमित रूप से अनेक हल मतलब तीनों बराबर होते हैं, क्या करेंगे लिख लेते हैं, A1 बराबर 2 और A2 बराबर A माइनस बी, B1 बराबर 3, B2 बराबर हो गया A प्लस बी, C1 बराबर 7 और C2 बराबर हो गया 3A प्लस बी माइनस 2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, देखिए 2 बटे A माइनस बी बराबर 3 बटे ए प्लस बी बराबर 7/3a+b-2। अच्छा आप करेंगे एक बार इसको हमें इसके साथ ले लेते हैं, एक बार इसके इसके साथ, तीनों आपस में बराबर है तो हम ले लेते हैं, क्या हो गया 2a-b बराबर क्या है 3a+b, और एक बार ले लेते हैं अगला पिछला सा 2a-b बराबर क्या हो गया 7/3a+b-2, गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3a इससे गुणा करेंगे पेचिया गुणा ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, तो क्या हो गया 3a-3b बराबर 2a+2b। अच्छा तो 3a इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 2a-3b इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -2b बराबर उधर क्या बचा 0, तो यहाँ पर 3 में से 2 गया तो क्या हो गया a-5b बराबर 0, समीकरण एक निकल जाएगा। चल फिर दूसरा ज्ञात करना है, अच्छा एक मिनट यहाँ से डायरेक्ट ही ज्ञात कर लेते हैं, a बराबर इधर माइनस उधर गया क्या हो गया प्लस में 5b, अब यहाँ से ज्ञात करते हैं तो क्या हो गया 3 × 2 या इससे ऊपर गुणा कर लेते हैं 7a × a तो 7a-7b बराबर 3 × 2 6a, 3 × 2 6a+2b-2 × 2 4। अच्छा फिर देखिए ए वाला को ए देने तरफ ले लेते हैं, तो 7a इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -6a -7b इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में क्या हो गया -2b बराबर उधर क्या बचा -4। अच्छा 7b में
सिक्स ए गया तो क्या बचा ए, और माइनस सात दोनों नौ बी बराबर कितना माइनस चार, ए का मान यहाँ से याद है कितना है पाँच बी, तो पाँच बी माइनस नौ बी बराबर कितना है माइनस चार, पाँच में से नौ गया कितना आपका माइनस में आ जाएगा माइनस चार बी बराबर माइनस चार, तो बी बराबर माइनस चार कट गया कितना वन, बी का मान कर गया वन। अब यहाँ पर ए का मान रख देंगे, बी का मान रखने पर तो यहाँ पर क्या गया बी का मान रखने पर तो ये बराबर है फाइव बी बराबर पाँच गुना बी, बी का मान वन बराबर कितना पाँच, तो आपका ए बराबर हो गया कितना पाँच और बी बराबर कितना वन, ये हो गया का आंसर। चलिए बता दीजिए, चलिए यहीं तक वीडियो का हम इन कर देते हैं क्योंकि लाइन के प्रॉब्लम से, तो रहने दीजिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के लिए जरूर शेयर करें। चलो कैसा वीडियो आ रहा है देख लेते हैं।